एक सीन है वो जो लोटा लेके मैं अंदर घुसता हूँ बोलता हूँ लिंडी मेरी बॉर्डर पे डैनी <laughs> सर से मैं मिला और उन्होंने बोला कि शारिफ हमने वो लाइन जो तुमने ऑडिशन में बोली थी वो हमने ऐड कर दिया है स्क्रिप्ट uh, में आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ मेरा मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं राइटर हूँ <laughs> उस तीन साल के अंदर एक शॉर्ट फिल्म मैंने की वो रात अपन <laughs> दो बजे तक रोया हाय आई एम शारिब हाशमी और आप मुझे सुन रहे हैं सिटी टॉक्स में सिटी टॉक्स दिस इज मी हमराज यस वी आर बैक ऑन अवर शो जिसका नाम है सिटी टॉक्स एक ऐसा शो जहां हम हर उन टॉपिक पर बात करते हैं जिन पर बात करने से लोग कतराते हैं ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है वो शख्स जिन्होंने जिंदगी में अपने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इनकी जीवनी से हमें सिर्फ ये सीखने को मिलता है चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो हमें चेहरे पर हमेशा मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए ये है शारिफ हाशमी हाय वेलकम टू अशोक बहुत शुक्रिया तो शारिफ आज हम हर उन टॉपिक पर और जो भी किरदार आपने निभाए हैं हर उन मुद्दे पर बात करेंगे बिल्कुल <laughs> तो शारिफ हमें यह बताइए कि आपको एक्टर बनना है या आपका पहले से ही तय था फिल्मों में आना ये तो मैंने पहले से तय करके रखा था क्योंकि मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे और उस वजह से एक बचपन से मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर था मतलब एक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक आउटसाइडर था जिसको एक इनसाइड एक्सेस था तो मैं डैड के साथ फिल्म पार्टीज में मुहूर्त पे और ऐसे सब जगहों पर जाया करता था शूट्स वूट्स पे तो वो देख के मैं मतलब बचपन में मतलब उसने मुझ पर बहुत एक खतरनाक इम्प्रेशन छोड़ा था क्योंकि जो चकाचौंध है इस इंडस्ट्री की उससे बचना मुश्किल है उस <laughs> उसके इम्पैक्ट से और उस जमाने में तो वाकई शोबिस जो है वो शोबिस होता था बड़े लैविश तरीके से मुहूर्त होते थे प्रेमियर्स होते थे तो बड़े बड़े मतलब लेवल पे प्रेमियर्स हुआ करते थे तो वो देख के मैंने बचपन में ही बोला था कि भाई मैं तो बड़ा होके हीरो बनूंगा <laughs> बचपन में तो आदमी यही सोचता है कि आ, हीरो एक्टर एक्टर क्या होता है हो, तो पता नहीं होता आपको नहीं। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं को रियलाइज हुआ कि अपना हीरो बनने का तो कोई चांस है नहीं <laughs> और एक्टिंग में भी कुछ होगा क्या पता नहीं, नहीं। तो उस वजह से मैंने शुरू करने से पहले ही अपनी ड्रीम को जो है वो मतलब मैंने गाड़ दिया कहीं एकदम अंदर दफन कर दिया उसको लेकिन करना था फिल्मों में ये बचपन से ये जो सोचा था तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर करियर शुरू किया फिर मैंने लिखना शुरू किया सडनली कब मैं राइटर बन गया वो भी मुझे पता नहीं चला <laughs> तो फिर राइटर के तौर पर काफी साल निकल गए शादी भी हो गई बच्चा भी हो गया एक अच्छी खासी नौकरी हो गई एक कम्फर्ट जोन में आ गया और तो मतलब आ, ऐसी लाइफ चलती रही यार फिर मैंने थर्टी मैं मतलब व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट मतलब थर्टी थ्री जब मैं डिसाइड किया मैंने कि अब मुझे एक्टिंग करनी है और अपने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है तो बहुत लेट डिसाइड किया मैंने ओके सो यू स्टार्टेड योर करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और ये मूवी थी हम तुम पे मरते हैं जो कि नाइनटीन में आई थी करेक्ट तो ये आपको कैसे मिला था मेरे एक दोस्त हैं राजुल मिश्रा बहुत कॉलेज के हम बहुत ही करीबी दोस्त हैं तो वो उस वक्त सूरज बड़जातिया जी को असिस्ट करते थे ओ। और राजकुमार नव कुमार राजू जो हम तुम पे मरते हैं के डायरेक्टर उनके फ्रेंड थे ओके। तो उन्होंने मतलब मुझको वहां पे उनसे मिलाया और मैं गया और वो मुझसे मिले उन्होंने मतलब मुझसे कुछ बातें बातें की और उनको मैं जम गया और इस तरीके से मुझे हम तुम पे मरते हैं मिली और इनफैक्ट मेरा जो राइटिंग का भी है वो भी उसमें भी राजुल मिश्रा का ही बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि आ, उनको एक एम का कोई शो मिला लिखने के लिए और आ, उन्होंने बोला की विल यू हेल्प मी यू नो स्क्रिप्ट आ, इन द इन स्क्रिप्टिंग तो मैंने बोला यार मैंने कभी कुछ लिखा विखा नहीं है तो उन्होंने बोला कोशिश करके देख ले अभी अगर हेल्प कर अगर जमा तो ठीक है तो मैंने जब लिखना शुरू किया साथ में तो उनको पसंद आया जो मैं लिख रहा था और कुछ और काम आया तो फिर उसमें और हम लोगों ने साथ में काम किया तो फिर राजुल ने मुझे बोला कि मतलब यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग मतलब यू शुड नॉट यू शुड कंसिडर दिस सीरियसली और उसी वक्त हमारा एक और कॉलेज का दोस्त था रेंजी वर्गिस हम साथ में कॉले, कॉलेज में गाया करते थे हमारी जोड़ी बन गई हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया साथ में के so, के के लिए, Channel v के लिए, MTV के लिए, Freelance writers बन गए और फिर राजुल, रेंजी मैं हम तीनों ने बहुत सारे सारी राइटिंग साथ में की और मैं मतलब राइटर ही बन गया एकदम से मेरा मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं साला <laughs> राइटर <हुँ। laughs> और फिर साल निकलते गए ऐसे ही <laughs> तो ऐसे ही करते करते आप लगभग चार साल थे विद एम में 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 मैंने मैंने मतलब MTV में करने के पहले मैंने फ्री लांस राइटिंग की साल 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 दो साल। फिर उसके बाद MTV किया तो था जो NDTV Imagine के अम्ब्रेला में एक बॉलीवुड चैनल था जैसे जूम और ये सब होते हैं तो वैसा एक बॉलीवुड चैनल था इमेजिन शोबिज वहां पर मैं क्रिएटिव हेड था तो उस दौरान काटा कीड़ा जोरदार वाला <laughs> तो भी, फिर फिर ओके एक्टिंग एक्टिंग में में पहली बार कब मौका आजमाया आ, असल में क्या हुआ एक तो मैं जब मैं आ, लिखता था ना तब मुझे एक्टिंग का काम मिलने लगा पता नहीं क्यों <laughs> लेकिन आ, क्या कहते हैं उसको जैसे क्योंकि हम लोग एम में काफी फनी शोज मतलब स्केच कॉमेडीज वो सब काफी बनाया करते थे तो जब मैं हमारे जो भी डायरेक्टर होते थे उनको जब मैं नरेट करता था तो वो कहते थे यार ये हम लोगों ने बहुत सारे बकरा किए जो मुझे सबसे ज्यादा मैं इंजॉय करता था करना और तो धीरे धीरे सडनली मतलब मेरी लाइफ में एक्टिंग ने वापस एक बैकडोर एंट्री मारी और मैं जिस दिन मुझे एक्टिंग करनी होती थी ना मतलब एम में जब मैं नौकरी कर रहा था एज अ राइटर तो जिस दिन मुझे एक्टिंग करनी होती थी वो मेरे लिए एक्स्ट्रा छुट्टी वाला दिन होता था <laughs> क्योंकि मैं बहुत खुश रहता था उस दिन और बहुत यार आज एक्टिंग करनी है पता नहीं तब भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक्टिंग ही तो है जो मैं करना चाहता हूँ एक्टिंग इज माई कॉलिंग ये mm -hmm. रियलाइज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार ये सब अपने को ऑडिशन ऑडिशन नहीं देना है इनफैक्ट hmm. कुछ लोग अगर मुझे सजेस्ट या रेकमेंड भी करते थे या बताते थे कि यार मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं बोलता था पागल है क्या फालतूगिरी मत कर अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है वो मतलब कर नहीं मतलब ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशन है और कब होगा क्या होगा कुछ भरोसा नहीं खाली ऑडिशन की लाइन में लगे रहेंगे और सबको मैं सब मैं डिस्करेज करता था। एक दिन खुद ये ये डिसीजन नौकरी एक्टिंग करने का ये मैंने सोचा नहीं था। नहीं। तो इसी आपने किसी उसके बाद में मुझे आ, आ, वो मिली थी, तो वो, वो ऐसा के क्या हो गया था अचानक से जो आपने सोचा कि मैं छोड़ छाड़ के फुल फ्लेज एक्टिंग में ही जाना है मुझे ये हुआ जब मैं नौकरी कर रहा था उसी दौरान मैंने दो फिल्म भी की एक स्लमडॉग सीन था एक छोटा सा सीन था वो किया हाले दिल नाम की एक फिल्म की जिसमें तीन चार सीन वाला एक कैरेक्टर था तो वो भी मतलब किसी दोस्त तो ने बोला तो मैंने ऑडिशन दिया सेलेक्ट हो गया ऑफिस से छुट्टी ली मेरा कोई दूर, दूर दूर तक इरादा नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे मतलब यू नो एज एन एक्टर कुछ मतलब करियर बनाना है मैं अब बहुत खुश था इस अरेंजमेंट में कि नौकरी भी चल रही है राइटिंग भी चल रही है और बीच बीच में अगर कोई कुछ बुला लिया एक्टिंग करने के लिए तो वो भी करके आ गए तो एक ऑडिशन मुझे आया धोबी घाट फिल्म के लिए और नमित दास जो बहुत कमाल के एक्टर हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया वहां पे एक प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था तो उसमें मैंने जाके मैंने ऑडिशन दिया ऑफ हुए और फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया मुझे किरण जी ने मतलब बुलाकर फिल्म ऑफर की और फिर सब कॉस्ट्यूम भी हो गया। तो मुझे लगा था कि मैं तो हो गया हूँ फाइनल बट शायद वो लोग और ढूंढ रहे थे या तो एक शूट के पंद्रह दिन पहले या बीस दिन पहले मुझे फोन आया वापस किरण जी का और उन्होंने बोला कि शारिफ हम वी वर गोइंग थ्रू योर टेप तो थोड़ा लुक वाइज ना मतलब ऐसा हमको लग रहा है कि मतलब यू आर नॉट फिटिंग द पार्ट तो मुझे मैं एकदम वो गया था कि अरे यार ये ये तो मैं तो मैं कर रहा था और मैंने बहुत कोशिश की उनको वो करने की कि मैं कुछ लुक चेंज कर लेता हूँ दाढ़ी बढ़ा लूंगा या बाल कट लू काट लूंगा अपने कौन सी पांच फिल्में है जो कंटिन्यूटी <laughs> में फसेंगे बट उन्होंने बोला कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा शारे आई एम सॉरी तो वो चीज नहीं मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि अब जो उन्होंने डिसीजन लिया उससे मुझे कोई गिला नहीं क्योंकि उनकी कहानी है उनका किरदार है उनको ज्यादा पता है लेकिन मुझे वो जो रिजेक्शन था ना उससे मैं पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हिल गया था मैं और मैं बहुत रोया था उस रात को मुझे आज भी याद है मैं कभी भूल नहीं सकता नहीं। वो मुन्ना भाई गाना ना वो रात अपन <laughs> दो बजे तक पिया नहीं, नहीं रोया <laughs> क्योंकि पीता नहीं अपन तो उस दिन मैंने नेक्स्ट डे जब मैं उठा मैं ऑफिस गया मैंने रिजाइन किया एक महीने का नोटिस दिया और तब मैंने डिसाइड किया उसी दिन कि अब मुझे एक्टिंग कर रही है और एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनानी है और पता नहीं क्या जुनून सवार था क्या था मतलब तब से मैंने फिर मतलब एक्टिंग uh, को मतलब अपना एज अ करियर परस्यू करना शुरू किया सुपर यू मेड अ गुड डिसीजन एंड आज लग रहा है डिसीजन करेक्ट था करेक्ट <laughs> उसके बाद जो डिसीजन के तुरंत बाद जो चीजें हुई मेरी बैंड बज गई थी <laughs> <laughs> बहुत ज्यादा बैंड बज गई थी नहीं वो तो होते अचानक से हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं आते ही है आते ही हैं, हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं तो जैसा और था? अच्छा भी हुआ जो जिन चीजों से मैं गुजरा हूँ जो मुश्किलें पेश आई सामने लाइफ में क्योंकि अगर इमीडिएटली आ जाता सब कुछ आसानी से मिल जाता तो शायद उसकी कदर नहीं हो कदर नहीं होती आज मुझे उसकी मतलब अहमियत पता है उसकी कदर है और उसको मैं वैल्यू करता हूँ बहुत नहीं जब जो बंदा डाउनफॉल देखते हुए ऊपर आता है सीढ़ी चढ़ के ऊपर आता है तो वो हर एक चीज की और उसके आसपास के हर एक शख्स की इज्जत करता है अभी हम आते हैं स्लमडॉग मिलियनर वाले किरदार पर हाँ। वो रोल कैसे मिला था आपको? वही मैं तब मैं चैनल भी में नौकरी कर रहा था और मेरा एक दोस्त है स्वप्निल कोरे जो कास्टिंग में असिस्ट कर रहा था उस वक्त स्लमडॉग में तो स्वप्निल ने मुझे बोला कि अरे एक ऐसा एक सीन है तो एक ही सीन था ऐसा कोई वो कहानी में उसका कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है मतलब एक सीन है वो जो लोटा लेके मैं अंदर घुसता हूँ और फिर मन बोलता हूँ लिंडी मेरी बॉर्डर पे <laughs> वो डायलॉग मैंने इम्प्रोवाइज किया था ऑडिशन okay. के टाइम पे और डैनी सर को बहुत मतलब तब वो हंसे थे इनफैक्ट वो खुद मेरा ऑडिशन ले रहे थे वो मुझे क्यूज दे रहे थे जबकि उनको कोई जरूरत भी नहीं थी उस चीज <laughs> तो मेरा सेलेक्ट हो गया उसमें ए, मैं शूट पर पहुंचा मैं तो डैनी uh, सर से मैं मिला और उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट uh, uh, तो उन्होंने hmm. बोला ऑडिशन yes, hmm. तो में बोली थी वो हमने ऐड कर दिया <laughs> है, uh, <script> में. <laughs> 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 मतलब वो मैंने कोई ऐसे आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ नहीं किया था hmm. हर एक्टर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करता है hmm. या इम्प्रोवाइज करता है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को एक्नोलेज किया या मेरे लिए, मेरे लिए सामने वो बात रखी उससे मतलब <laughs> मेरे दिल में उनके लिए इज्जत मतलब बढ़ गई <laughs> hmm. तो वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा मैं वो जो Danny सर के साथ में जो टाइम स्पेंड किया या जो स्लम डॉग का जो शूट था वाज इट वाज मेमोरेबल वेरी वेरी मेमोरेबल ओके तो ये था 2008.

कुछ नहीं मिला था मुझे मतलब फिल्म्स के लिए एड के लिए मैंने डेली सोप के लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया <laughs> लेकिन फिल्मों के लिए एड के लिए मैं बहुत ऑडिशन दिया करता था एक एड मिला था उससे क्या होगा मतलब पूरी uh, फैमिली है और हाँ, वाई वाई वाई। तो, तीन साल गुजर गए थे और बट उस तीन साल के अंदर एक शॉर्ट फिल्म मैंने की जिसके पैसे नहीं मिले और वो थी महरूनी बट उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया बहुत प्यार भी दिया और मुझे जब तक ये जान भी महरूनी की बदौलत है के तो महरूनी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फराज़ जिन्होंने डायरेक्ट की थी और अब्बास सैयद ने उसने प्रोड्यूस की थी दोनों मेरे दोस्त हैं <laughs> तो उन्होंने आ, ये फिल्म बनाई मेहरूनी और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया YouTube पर जब ये फिल्म आई तो नसीब से शानू <laughs> शर्मा ने वो YouTube पर देखी <laughs> और उनको मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे जब तक जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। और फिर आ, इस तरीके से फिर मेरा पहली जो मेरा पहला बड़ा ब्रेक जो था <laughs> या जो भी मतलब मैं ऑडिशन के बाद में जब मैंने शुरू किया काम और मतलब सिर्फ एज एन एक्टर जब मैं मैंने अपना देखना शुरू किया तो जो सबसे पहला काम मिला मुझे वो जब तक है जानता <laughs> तो से जुड़ी हुई कुछ किससे कुछ वारदातें जो कि मेहरूनी के साथ में तो बहुत कुछ है मतलब हमने मुंबई की ट्रेन में लोकल मुंबई लोकल में हमने पूरी <laughs> फिल्म शूट किए और आ, मतलब बिना कोई परमिशन के बिना किसी चीज अच्छा। के क्योंकि और उस वक्त हमने 2011 में ये फिल्म शूट की थी तो, तो वो एक फाइव डी के ऊपर मतलब जब आदमी करता है तो उनको तो पता भी नहीं चलता कि शूट हो रहा है तो फिल्म में डायलॉग्स थे नहीं तो दूर से कहीं से वो कैमरा ले रहे उनको लग रहा है कि शायद फोटो खींच रहे होंगे तो हमने पूरी फिल्म ऐसे बना दी लोगों को पता भी नहीं चला और एक लड़का मुझे मिला मैं एक बार हाइपर सिटी मलाड में एक मॉल हुआ करता था तो वहां पर मैं काउंटर पे था तो एक लड़का मुझे मिला उसने बोला कि आपने वो आप वो आप शॉर्ट फिल्म वो मेहरूनी के अंदर आपने काम किया ना तो हाँ मेरे को फिल्म बहुत पसंद आई और मैं जब आप लोग शूट कर रहे थे अंधेरी से जब ट्रेन निकली थी तो मैं भी वो ट्रेन में था और मैंने आपको देखा था तभी और मैं सोच रहा था कि ये और खड़ा है आदमी और इसको स्वेटर क्यों पहनाया है और तो मैं हंस रहा था तभी <laughs> लेकिन जब मैंने आपकी फिल्म देखी तब मुझे रियलाइज हुआ और वो जो उसमें स्लीव कटी हुई है तो तो वो uh, मतलब और उसने मेरा पहला सेल्फी लिया था उसने साथ मेहरूनी <laughs> तो, जब आई थी और मैंने जिन जिन को दिखाई हर किसी की आंखों में आंसू थे क्योंकि कहानी भी वैसी थी ऊपर से आपकी एक्टिंग भी वैसी थी <laughs> थांक यू, थांक यू, थांक तो एक जगह जहां मैं एज अ पी काम कर रहा था तो वहां एक डॉक्टर थी एक एन में था मैं तो उन डॉक्टर को दिखाया वो डॉक्टर काफी देर तक रोई

तब मुझे भी और मैंने रिलेट किया खाने के कि बाद हाँ यार ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ही जीवन के बीच मझधार हाँ। में छोड़ जाते हैं फिर तो ये था फिर इसके बाद जब तक जान हाँ। इसके हाँ। बाद आपको मूवी मिली थी तो वो एक्सपीरियंस कैसा है सीधा कमाल एक्सपीरियंस था शाहरुख खान <laughs> जब तक ये जान दो मतलब मेरे लिए पहला इतना बड़ा ब्रेक और एक ही फिल्म के अंदर यश जी हैं आदित्य चोपड़ा सर हैं, शाहरुख खान साहब हैं कटरीना कैफ है अनुष्का शर्मा है करण जौहर साहब कॉस्ट्यूम कर रहे हैं उनके और शर्मिष्ठा रॉय आर्ट डायरेक्टर हैं इतनी बड़ी प्रोडक्शन डिजाइनर हैं वो और कैमरा कर रहे हैं अनिल मेहता सर तो ऐसा लग रहा था कि जिस दिन में मेरा डे वन था वाई स्टूडियो में मैं अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ ये कि ये इन सब लोगों के साथ तो काम करने के मैं सपने देखा करता था और आज वो मतलब आ, हकीकत में तब्दील हो गया वो तो मेरे मैं कब, बहुत कमाल का दिन था, पहला दिन, और हम लोग रिहर्सल कर रहे थे अक्षत कपिल आ, जो यश जी के असिस्टेंट थे उस वक्त तो वो उनके साथ में मैं अपनी लाइंस कर रहा था जो फिल्म में पहला सीन है मैं सोता रहता हूँ और वो चादर खींचते हैं शाहरुख साहब तो वो सीन का रिहर्सल चल रहा था मैं वो बार बार अक्षत ऐसे चादर खींचता था और डायलॉग वायलॉग होता था hmm. तो एक बार चादर खींची तो वो शाहरुख सर खड़े थे हाँ। ah. <laughs> तो एकदम ऐसे मैं एकदम किले लिए स्टैच्यू हो गया hmm. <laughs> कि तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ क्या करूँ ऐसे हो गया पूरा

सबसे मतलब स्पेशल फिल्म है और वो हमेशा मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब रहेगी क्योंकि मतलब जो फिल्मिस्तान ने मुझे दिया है और मतलब पहली बार जब लोगों ने मुझे देखा सराहा जब तक ये जान में मिला था अप्रिसिएशन काफी अप्रीसी मिला था लेकिन फिल्मिस्तान तो मेरी ही फिल्म थी <laughs> और उसके लिए मुझे पहली बार नॉमिनेट किया गया मैं फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ आईफा में नॉमिनेट हुआ स्क्रीन मुझे मिला अवॉर्ड फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का और जब हम फेस्टिवल्स में हम गए थे फिल्म फेस्टिवल्स में वहां जो प्यार मिलता था जो रिस्पेक्ट मिलती थी वो मतलब मैं ऐसा लगता है कि वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म होती और वो फिल्मिस्तान होती तो भी मैं मतलब खुशी खुशी मतलब मैं चैन से मर सकता तो उसके बाद अभी जो भी हो रहा है फैमिली मैन असुर स्कैम, सब बोनस है सब बोनस है उसके बाद का मतलब मेरे लिए फिल्मिस्तान गेम ओवर हो गया <laughs> फिल्मिस्तान कैसे मिली थी आपको फिल्मिस्तान आ, मैं असल में उस वक्त जब मैं तीन साल से नौकरी जब कर रहा था सॉरी जब ऑडिशंस दे रहा था <laughs> तो कुछ हो नहीं पाया था और दोबारा मतलब मतलब इनफैक्ट मेरे सेविंग्स तो खत्म हो गई थी कर्जों में डूब गया था मैं तो मुझे नौकरी दोबारा करनी पड़ी थी तो तब मैं बिंदास में था यूटीवी बिंदास में और वहां पर नौकरी कर रहा था तब नितिन जो फिल्मिस्तान के राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने ये आइडिया मुझे सुनाया और उसी दौरान क्या कहते हैं उसको वो लिखना शुरू किया उन्होंने तो मैं ऑफिस से शाम को उनके घर जाता था वो जो भी लिखते थे वो मुझे सुनाते थे और हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते थे ऐसे करके स्क्रिप्ट पे उनके उसके काम चल रहा था और एक दिन लिखते लिखते नि, नितिन ने बोला कि यार ये जो रोल है ना ये तेरे को बहुत सूट करेगा <laughs> <laughs> तो मैंने बोला आर्ट यार कहा अभी वो पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर भाई बनाने वाला है उसमें मेन लीड मेरे को क्यों लेगा <laughs> अंदर से तो मैं बहुत वो हुआ था कि यार है तो सही लड्डू हाँ, मैं लड्डू फूटा लेकिन <laughs> लेकिन जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला इस फिल्म के लिए तो ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड और उन्होंने अपनी बात रखी और प्रोड्यूसर्स को भी ओटीटी हाँ, मतलब <laughs> मतलब पर अवेलेबल हुई है वो recently, तो लोग फिर से देख रहे हैं और आ, मतलब फिल्मिस्तान मतलब मैं जो भी हूँ फिल्मिस्तान की बदौलत हूँ सब कुछ जो भी हुआ है मेरे लिए फिल्मिस्तान का एक बहुत फिल्मिस्तान मेरी करियर का बहुत बड़ा माइलस्टोन है सुपर इनफैक्ट फैमिली मैन भी जब मुझे मिला उसके पीछे भी क्योंकि ये इसने फिल्मिस्तान की है और वो एक मतलब जो होते हैं ना कि क्राइटेरिया हु, तो उसमें एक क्राइटेरिया ये था कि ये वो फिल्मिस्तान वाला बंदा है हाँ <laughs> <laughs> मैं अगला फैमिली मैन की तरफ ही आ रहा था <laughs> तो जैसे कि आपने खुद ही कह दिया कि फिल्मिस्तान के वजह से मुझे यस yes, yes. वो किरदार मिला तो, तो आपने इसके लिए ऑडिशन किया था या यस यस फैमिली मैन के लिए मैंने ऑडिशन किया था और इनफैक्ट फैमिली मैन के पहले मतलब मुझे लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद तो अपना काम हो गया है arrived, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि नहीं। बहुत टाइम गुजरता गया और मुझे कुछ अच्छी फिल्में मिली नहीं, नहीं। और जो फिल्में मिली वो बीच में अटक गई या बनके रेडी हुई लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई कुछ शुरू होने से पहले ही बंद हो गई तो एक पता नहीं डेस्टिनी नसीब क्या था वो साथ नहीं दे रहा था और मुझे तो लगा था कि अब तो मैं छा जाऊंगा <laughs> तो उसके एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट हुआ और साल दो साल तीन साल ऐसे ही गुजर गए तो तो फिर फिर से मैं ऑडिशन के चक्कर शुरू हो गए और फिर से रिजेक्शन शुरू हो गए फिर पैसे खत्म होने शुरू हो गए फिर उधार मांगना शुरू हो गया तो मैं तो मतलब और इस बार जो हुआ वो पहले से ज्यादा तकलीफ दायक था क्योंकि इस बार फिल्मिस्तान के जरिए मुझे थोड़ी बहुत एक थोड़ा सक्सेस का टेस्ट मिला था मुझे नहीं, नहीं, नहीं। तो वो जब फिर से आपसे छिन जाता है तो वो और ज्यादा मतलब आपको तकलीफ देता है फिर फिल्मिस्तान जब फैमिली मैन का जब मुझे ऑडिशन आया तो और मैं ऑडिशन देके बाहर निकला तो मुझे लगा कि आज कुछ अच्छा हुआ है आज दिया है कुछ मस्त ने और एक इंट्यूशन था कि यार अगर ये क्लिक कर गया ना तो शायद कुछ लाइफ में अच्छा होगा और नसीब से मैं सेलेक्ट हो गया उसमें <laughs> और जो मैंने सोचा था वाकई मतलब फैमिली मैन चेंज्ड थिंग्स फॉर मी और फिल्मिस्तान से मतलब मुझे अप्रिसन मिला था और लोगों मतलब इंडस्ट्री में लोगों ने फिल्मिस्तान को बहुत देखा था लेकिन फैमिली मैं से मैं घर में पहुंचा <laughs> बंगाली मतलब कैरेक्टर मैं की मैं। मैं की हु, be हाँ जब मैं ऑडिशन के लिए गया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो कैरेक्टर का नाम लिखा था घोष तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मुझे बंगाली एक्सेंट पे काम करना है मुझे तो वैभव विशांत जो उस वक्त एसोसिएट थे तो उन्होंने मुझे बोला वैभव ने कि यार अभी फिलहाल ऐसी न्यूट्रल ऑडिशन दे दो उसके बाद में हम देखते हैं क्या करना तो मैंने न्यूट्रली ऐसे ही कर दिया तो बट राजन डीके को वो ऑडिशन पसंद आया और उन्होंने मुझे बोला कि यार तू दिखने में तो बंगाली नहीं लगता <laughs> और अभी वो फेक बंगाली एक्सेंट भी नहीं करना है अपने को कौन सी रीजन में अपन मतलब फिट कर सकते हैं इस कैरेक्टर को तुम बताओ तो अकॉर्डिंग टू तो योर कन्वीनियंस तो मैंने बोला कि पंजाबी करेंगे मतलब पंजाबी बहुत हो गया है मतलब तो मैंने बोला फिर यूपी यूपी साइड का भी मैं कर सकता हूँ तो यूपी तो तिवारी ऑलरेडी है, है।, है। <laughs> तो फिर मैंने बोला मुस्लिम टाइप का कुछ ऐसा कुछ मियाँ भाई तो मतलब वो तो ऑलरेडी पाशा भी है जोया भी है तो मैंने बोला सर मैं मुंबई बेस्ड बंदा हूँ मतलब महाराष्ट्र में पैदा पला बड़ा हूँ मालवनी का हूँ मराठी भी बोल लेता हूँ तो उन्होंने बोला ठीक है तो उसको महाराष्ट्र बनाते हैं फिर नाम डिसाइड की बहुत सारे नामों की लिस्ट हम लोगों ने बनाई जिसके अंदर से जे के तड़पदे <laughs> फाइनल किया और ऐसे फिर वो <laughs> और फिर जैसे घोष बन गया जे घोष बन गया महाराष्ट्र मैं अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि एक वीरू के बाद जो कोई जोड़ी ज़्यादा हिट पागल है <laughs> यू, यू, <laughs> क्या है। है <laughs> सुपर मैन सुपर थैंक यू थैंक यू तो हाउ वॉज वर्किंग विद मनोज वाजपेयी कैसा लगा मनोज सर के साथ काम करना मतलब जीवन सफल हो गया मेरा उनके साथ काम करके उनसे मिलके मैं मतलब अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं उनको उनके साथ में इतना करीब से उनको जानने का मौका मिला उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला उनके साथ काम करने का मौका मिला बहुत कुछ सीखा उनसे मतलब वो चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है। हा, 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 ये तो सही बोला <laughs> बहुत बहुत जबरदस्त और उतने ही प्यारे इंसान है उतने ही मजेदार इंसान है <laughs> बहुत ही जबरदस्त तो हम सर की बात कर रहे थे मनोज बाजपेई एक जैसे कि आपने कहा चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है वो जब आपको पता चला कि मुझे इनके साथ काम करना है तो वट वॉज योर रिएक्शन मैं तो जब मुझे फैमिली मैन के जब मैं ऑडिशन पर गया था तभी उन्होंने बोला था तो मैं उस वक्त ही एकदम जोश में आ गया था शायद उसी जोश में शायद मैंने ऑडिशन और अच्छा <laughs> दिया तो मेरे ख्याल से वो नाम सुन के मैं एक अलग एनर्जी आ गई थी अंदर <laughs> तो वो तो आ, और ए, हमने इनफैक्ट एक, एक फिल्म करने वाले थे फिल्मिस्तान के तुरंत बाद जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छी चीजें शुरू हो रही थी जिसमें से एक फिल्म थी जो जिसमें मैं मनोज सर के साथ काम ओ, कर रहा था वो फिल्म भी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई थी तो वो उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था कि यार पता नहीं कब मौका मिलेगा मनोज सर के साथ काम करने का और फिर जब फैमिली मैन का पता चला तो मैंने बोला यार ये चाहिए यार मेरे को ये ये मांगता है लाइफ में मैं शायद इतनी ज्यादा शिद्दत से मांगा था ना मैंने कि ऊपर वाले ने बोला भाई ये तो दे ही देते हैं इसको <laughs> और वो हुआ भी हाँ और वो हुआ भी जब फैमिली मैन का पार्ट वन आया एंड यू गॉट टू नो कि हाँ यार मेरा कैरेक्टर भी लोगों को पसंद आया तब कैसा लगा तब तो यार बहुत बहुत ज्यादा मतलब तब जाके वो होता है ना कि मेहनत वसूल हुई तो वो वाली फीलिंग तब आई जब मैं मतलब मैं रिक्शे में जा रहा था और बाजू में से कोई एक बंदा कोई कुछ एक कुछ फ्रेंड्स लोग थे का, कोई कार में उन लोगों ने चिल्लाया जेके करके <laughs> और फिर मॉल्स में जब मैं जाता था और मूवी देखने जाता था तो वो जेके जेके मुझे सब जगह से सुनाई देने लगा तब लगा कि हाँ लोगों ने देखना शुरू किया है और लोग काम पसंद कर रहे हैं और जब सेकंड सीजन आया तो बहुत अलग ही लेवल का हाँ बूस्ट मिला एक और बहुत प्यार मिला नहीं जेके का कैरेक्टर लिखा भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल, था बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब लिखा जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और उतने ही अच्छे से आपने उसे निभाया भी अरे थैंक यू थैंक यू सो मच भाई <laughs> थैंक्स इसके बाद स्कैम 1992 पे आते हैं जी उसमें भी आपका एक रोल था शुरुआती आप ही के किरदार से होती येस है येस। बेलारी बेलारी <laughs> <laughs> उसके बारे में कुछ बताइए वो कैसे वो, मिला वो? तब वो तक तो फैमिली मैन आ चुकी थी हाँ फैमिली मैन आ चुका था लेकिन फैमिली मैन के रिलीज के पहले ही मैंने इसके ऑडिशन दिया था ऑडिशन नहीं दिया था ये मुझे ऑफर किया था आ, मुझे जय जो को डायरेक्टर है उसके तो उन्होंने मतलब वो मुझे मिलेस के लिए और वो झिझक रहे थे कि मैं वो एक सीन का कैरेक्टर करूंगा नहीं करूंगा और बट मैं मुझे जब उन्होंने पूरा सीन समझाया और सीरीज के बारे में बताया तो मैं तो तुरंत मैंने उनको हाँ कर दी थी कि भाई मुझे तो ये करना ही करना है किसी भी हाल में वो तो और मैं मतलब बहुत अपने आप को क्या कहूँ अपने ही डिसीजन को लेके मैं बहुत प्राउड हूँ कि यह कि मैंने ये सीरीज किया हु। और आ, मतलब क्योंकि एक सीन था मेरा उसके अंदर लेकिन वो सीन पहला जो टीजर बना कैम का वो सीन के ऊपर बना, <laughs> बना। <laughs> नहीं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पूरा <laughs> सीन उसी से उठा है जो एक लिफ्ट चाहिए होता है किसी भी <laughs> वेब सीरीज या किसी मूवी या किसी भी सीन को तो वो था जिसने पूरी इंटेंसिटी क्यूरियोसिटी बिल्टअअप किया अरे भाई आप क्या होगा क्या होगा थैंक यू सुपर वो भी उसी उसकी लिखाई का ही कमाल है हाँ। हंसल सर जय और सुमित जिन्होंने लिखा है मतलब सब कमाल <laughs> तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि यू आर नॉट अ ट्रेन एक्टर ये आपने खुद ही बिल्टअप किया हुआ है फिर भी जब है ना खुद ही करते करते हाँ खुद ही है और खुद ही को कर बुलंद इतना तो जब आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल मनोज बाजपाई उनके सामने जब आपने परफॉर्म किया तो झिझक ऐसी फील नहीं होती थी नहीं नहीं यार मैं मतलब वैसे मैं बचपन से ना फिल्मों का दीवाना रहा हूँ और जब कोई स्टार आता है तो मैं बहुत वो ऑस्ट्रक भी होता हूँ और वो एकदम खो जाता हूँ चाहे वो मतलब शाहरुख सर हो मनोज सर हो तो जब मैं उनको ऐसे देखता हूँ तो मैं एकदम ये हो जाता हूँ कि अरे हाँ, मनोज वाजपेयी शाहरुख खान और के के मैनन सर लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वो फिर वो किरदार हैं और वो खुद भी वही चाहते हैं कि मैं उनको जब हम शूट कर रहे हैं जब हम सीन में हैं तो फिर मैं उनको मनोज बाजपाई ना समझू तिवारी समझू और मुझे वो तिवारी ही नजर आता है जब हम कैमरे जब कैमरा ऑन हो जाता है तब तो हम कैरेक्टर्स हैं तो तब वो झिझक तो नहीं होती भगवान की कृपा से अभी तक तो नहीं हुई और अल्लाह करे आगे भी ना हुआ तो आ, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि झिझक होती है या नर्वसनेस होता है मजा आता है उल्टा मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब मुझे पता चलता है कि आ, आज कोई मतलब बहुत कड़क एक्टर <laughs> है साथ में काम करने के लिए फिर तो मतलब क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है आ, आ, ये तो है जब सामने इतना कड़क परफॉर्मेंस आ रहा है तो फिर आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो आपका काम और निखर जाता है और मैं नसीब से मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ की मुझे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है शाहरुख साहब शाहरुख साहब हैं मनोज सर हैं कुमुद जी हैं जी, है। जी के के मेनन सर हैं इनामुल हक गोपाल दत्त ये सब मतलब इतने जबरदस्त इतने मंझे हुए कलाकार हैं दिग्गज हैं सब फैमिली मैन थ्री कब देखने के मिलेगी हमें फैमिली मैन थ्री अभी तो हमने शूट भी स्टार्ट नहीं किया है उसका उसको थोड़ा वक्त लगेगा अभी लेकिन हाँ जब तो मचाएंगे हमने <laughs> ये भी सुना था कि फर्जी में आपका भी एक रोल होने वाला था फर्जी में मैं एक कैमियो करने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसका शूट होना था तब मैं अबू धाबी में विक्रम वेदा शूट कर रहा था और वो कोविड वाला टाइम था जब मतलब ट्रैवल जो है इतना रिस्ट्रिक्टेड था और रिस्ट्रिक्टेड था तो उस वजह से मैं मतलब मैं आज भी बहुत अफसोस है उसका कि मैं नहीं कर पाया और जब मुझे आ, क्या करें <laughs> आगे चल के हमें इन दोनों का मिलन देखने मिलेगा कि फर्जी में श्रीकांत तिवारी और आप केस को हो सकता है यू नेवर नो कुछ भी हो सकता है राज डी के जहाँ पर है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है वहाँ <laughs> लोग कमाल लोग हैं मैन oh आपकी जर्नी को अगर मैं देखू ना तो नाइन्टीज की किड की जर्नी की तरह हम तुम पे मरते हैं yes. गोविंदा वाला एरा mm -hmm. फिर शाहरुख खान फिर OTT, हर एक चीज की हुई आपने जी और आप गा भी लेते हो <laughs> गाता हूं ऐसे मेरा बहुत मतलब क्या कहेंगे उसको गाना मेरा एकदम दिल से एकदम करीब गाना mm -hmm. दिल के ओके okay. तो आपके अब तक की जर्नी में आपको आपका निभाया हुआ कौन सा किरदार ज्यादा पसंद आया मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फिल्मिस्तान का सनी yes. फिर फिर तो मतलब कैरेक्टर्स हैं बट यस yes, अगर सिर्फ एक नाम अगर आप बोलें तो मैं सनी अरोरा बोलूंगा मूवीज शॉर्ट फिल्म्स और ओटीटी आपको कौन सा ज्यादा पसंद है मुझे एक्टिंग करना पसंद है <laughs> <laughs> मुझे तो आप कैमरे के सामने खड़ा कर दो चाहे वो फिल्म के, के लिए शूट हो रहा है या, कोई एड हो रहा है या टीवी हो रहा है या आप स्टेज पे खड़ा कर दीजिए नाटक हो रहा है या नुक्कड़ नाटक हो रहा है या हुँ। स्ट्रीट हुँ। प्ले हो रहा है मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है वो जो मीडियम है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता मुझे जो कर रहा हूँ मैं उसमें मुझे मजा आना चाहिए राइटर हो गया एक्टिंग हो गया तो क्या आगे चल के हमें आप एज अ डायरेक्टर भी नजर आएंगे बिल्कुल आएंगे मैं बहुत जल्दी आ, मतलब जब बहुत जल्दी बोले तो साल दो साल <laughs> मैं, मैं चाहता हूं कि मैं मैं अपनी पहले फिल्म डायरेक्ट करूं और अभी इनफैक्ट स्क्रिप्ट की उधेड़ बुन में हूं ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट की तलाश में हूं और कुछ दो तीन चीजें जीरो इन की हैं और उनको मैं अभी डेवलप करने की में लगा हुआ हूं अभी डेवलप करने में तो लेट्स ही कितना टाइम वक्त लगता है इन सब चीजों को क्योंकि मैं सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ साथ में दूसरी चीजें भी चल रही हैं करेक्ट तो लेट्स ही कब होता है लेकिन करना है मुझे ऑलरेडी लोग पूछने भी लगे कि अगर इफ यू वांट टू डायरेक्ट डू यू वांट टू डायरेक्ट मतलब हुँ। हुँ। मुझे ऐसे ऑफर्स भी आने लगे कि वी वांट यू टू डायरेक्ट बट मैं और साल दो साल लेना चाहता हूँ okay. <laughs> जैसे कि आपने कहा कि काफी फिल्मी तरह के आप इंसान रहे हो तो किस एक्टर ने आपको ज्यादा प्रभावित किया था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बहुत सारे एक्टर्स ने प्रभावित किया था यार मतलब धर्मेंद्र सर और गोविंदा जी मिथुन ये सब मतलब मुझे दिलीप साहब नसीर साहब ये सब मुझे बहुत ज्यादा मतलब अमिताभ बच्चन साहब एक, एक एक्टर लेकिन ना मैं एकदम पागल हो गया था देख के यार और बहुत बहुत छोटा था मैं लेकिन तभी भी मुझे आज तक मुझे वो याद है जब मैंने पहली बार उनको देखा था टीवी पे एक दूजे के लिए आई थी फिल्म और कमल हासन टाइप का एक बंदा था बंदों बंदरों की तरह ऐसे उछल जाता है मतलब पेड़ पे लटक गया ये हो गया बाइक पे ऐसे इधर से उधर चला रहा है सीधे खड़े होके और गिर के डांस भी कर रहे हैं तो ऐसा खतरनाक एक्शन भी कर रहे हैं तो खतरनाक ये कौन है यार ये आदमी मतलब मैं मतलब मुझे मैं मैं तो सब का जो शौक है ना मुझे और आदत जो है मुझे बचपन से है क्योंकि मैं दूरदर्शन पे उनकी हर फिल्म देखा करता था <laughs> जब फ्राइडे को और सैटरडे संडे को जब भी आ, कोई तमिल फिल्म उनकी आती थी तो मैं मतलब विदाउट फेल कमल हासन की फिल्म कभी मैं मिस नहीं करता था उनकी और मैंने बहुत फिल्में उनकी देखी है नामा ह्यूज ह्यूज सुपर एक्टर है कमल सुपर उनकी सदमा सदमा एक दूसरे के लिए सागर आ, गुना उनकी घर में हाँ। नायकन है स्वाति मुदयम एक तेलुगु फिल्म है सागर संगमम एक और फिल्म है उनकी ये सब मतलब मैंने बहुत देखी है <laughs> तो मीरु मंडी अनबेशिवम कितनी सारी है यार ये तो तो हम ये मान सकते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर अगर कोई एक नाम लेना हो तो वो कमल हसन है हां कोई एक नाम अगर आपको मैं को बोलना है तो मैं कमल हसन तो बिल्कुल बोलूंगा कमल हसन गुड चॉइस यार <laughs> <laughs> जैसे कि आपने कहा था बीच में ऐसा दौर आ गया था जब आपको मूवीज नहीं मिल रही थी एंड यू वर बैक टू द पवेलियन फिर से आप कहीं पे जॉब करने लगे थे तो वो मोमेंट से जूझने के लिए आप क्या करते थे वो 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 सब जो मोमेंट्स थे वो बड़े भयंकर थे यार थैंकफुली मैं मतलब अंदर से थोड़ा पॉजिटिव इंसान हूं और तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखी है ज़िंदगी भर जिसकी वजह से मतलब जो मुश्किल दौर है उसको मैं मतलब क्रॉस कर पाया हूँ या उनको मतलब मैं सर्वाइव कर पाया हूँ और इसलिए भी क्योंकि मेरे साथ में जो लोग थे मेरा सपोर्ट सिस्टम बोलिए या मेरे दोस्त मेरी फैमिली मेरी वाइफ उन्होंने मुझे बहुत हर कदम पे इंक्रेज किया सपोर्ट किया तो उस बदौ उसकी बदौलत मैं वो मुश्किल दौर को सरवाइव कर पाया आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं भाई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको सिर्फ यही कहूंगा जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं कि भाई सिर्फ पे कफन बांध के आना <laughs> <laughs> क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की अगर आना है तो अगर दिल में और कुछ नहीं है पैशन सिर्फ इसी चीज के लिए है और ये नहीं कि मतलब एक साल टाइम दे के आता हूँ या दो साल टाइम दे के आता हूँ वो सब नहीं करना है तो यही करना है <laughs> ये जीना यहां मरना यहाँ इसके सिंह जाना कहाँ अगर ये लाइन आपको मैच करती है आपके साथ में आपके दिमाग में तो आइए वेलकम ओके थैंक यू सो मच शारीफ भाई थैंक यू इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सो दिस वाज शारीफ हाशमी जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला इनकी जिंदगी अपने आप में ही एक इंसाइक्लोपीडिया है जिससे हम कुछ ना कुछ या फिर कह सके कि बहुत कुछ भी सीख सकते हैं ज मी हम राजू आर वॉचिंग सिटी टॉक्स हाई आई एम शारिब हाशमी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन रेडियो सिटी इंडियाज यूट्यूब चैनल तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए नीचे जो करना है आप वो करना है घंटी बजाना है घंटी बजाओ